हेलो फ्रेंड्स, आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.4। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं इसको एकदम सिंपल वे में बताऊँगा और एक बार अगर आप इसको देख लेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं जल्दी से, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो जो ये बोल रहा है मैं उसका मतलब आपको बता दूं, फिर मैं उसके बाद इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि अगर हम लोग करते क्या हैं, एक स्क्वायर के, मान लीजिए स्क्वायर है, इसका हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी डी। कह रहा है अगर इसके किसी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करिए, इसको मान ले रहे हैं ई, कहने का मतलब डी सी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जितना ये है उतना ये है उतना ये है। और कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये कि जितना डायगोनल की लेंथ है उसी लेंथ का, इसको मान लेते हैं एफ। तो कह रहा कि जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये इसकी जो एरिया होगी ना वो डी बी एफ की एरिया का हाफ होगा, यही बात इसमें कह रहा है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मतलब इस किसी स्क्वायर के किसी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करिए, उसकी जो एरिया होगी अगर उसके डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं उसकी एरिया का हाफ होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखते हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे कि वी हैव टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट इज डी सी ई, डी सी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ, ये दो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ आपको यही करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई होगा वो हाफ होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ के, बी डी एफ के, यही तो प्रूफ करना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं। चलिए अब प्रूफ करने जा रहे हैं, देखिएगा बहुत ही आसान है। लिखेंगे क्या, सिंस ट्रायंगल डी सी ई, जो आपका ये ट्रायंगल, ये डी सी ई, ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, बी डी एफ के, बी डी एफ के। सिमिलर क्यों है, सिंस बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इस सब एंगल कितने कितने का, 60 है, ये भी पूरा 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यही होता है। तो जब ये 60 60 का, ये भी, और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जब ये सिमिलर होंगे तो हम लोग एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, सिंस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई अपान, मतलब इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, बी डी एफ, मतलब अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसकी एरिया और अपान जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है डायगोनल पे, इसकी एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हम इसका सी डी स्क्वायर ले लेते हैं तो इसका हम बी डी स्क्वायर ले ले रहे हैं, इसको मान लीजिए आप 1 मान लीजिए। अब उसके बाद देखिएगा करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको एक्स मान लें, ये भी एक्स मान लें, और ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री। अब लिखेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, अब चूँकि पढ़ लिए हैं अब इसमें थोड़ा सा सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है, तो मैं इतना कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में देखिएगा, अगर हम, आपको मालूम है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है और इस ए है बी है सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि जो ए सी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, यही तो होता है कि मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा दें तो जो आपका बी डी स्क्वायर होगा, ध्यान से समझिएगा, बी डी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी डी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ऐसा है, बाई पाइथागोरस आप इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बी डी स्क्वायर आप रहने दीजिए,
सी डी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स का स्क्वायर ये भी एक्स है होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड बराबर होगा, तो इसी एक्स स्क्वायर मान लिया गया, तो ये हो जाएगा कितना 2x² बी डी स्क्वायर हो गया। अगर सिर्फ बी डी पूछें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2x², तो यहाँ से x बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप सेकेंड, क्या मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ तक देखिएगा। अगली नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर हो गया, क्या चीज़ लिखेंगे, क्या यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ, लिखेंगे कि फ्रॉम सेकेंड, मतलब सेकेंड इक्वेशन से वी गेट क्या मिलेगा, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई है और अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ है, इसको रहने दीजिए, सी डी की जगह प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी डी को एक्स माने हैं तो एक्स स्क्वायर, और अभी हमने बी डी निकाला कितना, एक्स अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट हट जाएगा तो खाली 2 मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, अगली लाइन देखिएगा, मिलेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, ये रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या चीज़ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, देखिए यही लाना था जो कि आपका आ गया, ये ले आना था, ये आपको मिल गया, तो आप समझ रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, और जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब प्रॉब्लम आपको ना हो तो आप सिंपल तरीके से वन स्टेप आप चले जाइएगा, आराम से मिलता चला जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके के पूरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप 1, 2, 3, 4, 5 अगर ऐसे आप देखते चले जाएंगे तो एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है, और जो एनसीईआरटी के मतलब एक सिस्टमेटिक कह लीजिए, 1/1 करके कह लीजिए, तो वहाँ से आपको थीरम और क्वेश्चन सब आराम से मिल जाएगा। बस आप अगर 1 देखते हैं वीडियो, 1 के बाद 2 देखिएगा, 2 के बाद 3 देखिएगा, ऐसे देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। तो चलिए अभी इसमें और भी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।